वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है, मैं डॉक्टर अली भट्टी और आप देख रहे हैं डॉक्टर अली भट्टी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम आज आपके साथ बहुत ज़बरदस्त किस्म की टैबलेट के मुतलक इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं। तो फ्रेंड, इससे पहले मैं बताऊं कि ये मेडिसिन जिसके मुतलक सूफी कोल टैबलेट कहते हैं, ये किस में बीमारियों के मुतलक इस्तेमाल होती है और इन किन किन बीमारियों में इस्तेमाल इनका किया जाता है, तमाम इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है हमारे YouTube चैनल की तरफ से। तो असल मकसद वीडियो बनाने का यही होता है कि आम आदमी तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाना, वरना कोई भी मेडिसिन है वो अपने डॉक्टर के इरादे के मुताबिक ही इस्तेमाल करनी चाहिए। फ्रेंड्स, इससे पहले मेरे बहुत सारे दोस्तों ने मुझे रिक्वेस्ट की थी एक बात की, वो बात जो मेरे दोस्तों ने कहा था मैं अपने चैनल में उसे शामिल कर लिया है। तो मैं आपको वीडियो के एंड पर बताऊँगा कि वो कौन सी बात थी जिन दोस्तों ने रिक्वेस्ट की थी। तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेता और आपको बताता हूँ मेडिसिन के मुतालिक। फ्रेंड्स, आप किसी भी मेडिसिन का इस्तेमाल अपने डॉक्टर के इरादे के मुताबिक ही करें, और सिर्फ इसे बताने का मकसद यही है कि ये मेडिसिन किन किन बीमारियों में इस्तेमाल होती है। फ्रेंड्स, आजकल ज़्यादातर सर्दियों का मौसम है, तो सर्दियों के मौसम में खांसी, गले की खराश, नज़ला ज़ुकाम वगैरह आम होता है। तो बहुत सारे दोस्त एलोपैथिक मेडिसिन से घबराते हैं इस्तेमाल करने से, क्योंकि इनके फ़ायदों के साथ थोड़े बहुत नुकसान भी होते हैं। तो इससे बहुत से दोस्त कहते हैं कि एलोपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल कम ही किया जाए, वो भी खास ज़रूरत के तहत। तो फ्रेंड्स, आजकल के जो नज़ला ज़ुकाम, उसमें आप एक गोली सूफी कोल टैबलेट जो नज़ला ज़ुकाम, खांसी और गले की खराश में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके कोई भी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, आम सी गोली है देसी। तो आप इसे इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ज़बरदस्त रिज़ल्ट आएगा। एक गोली सुबह एक शाम इस्तेमाल करने से रिज़ल्ट ज़बरदस्त आएगा। तकरीबन 20 रुपए का आपको एक पत्ता मिल जाए जिसमें 10 गोलियां होती हैं। तो फ्रेंड्स, उसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, मेरे दोस्तों ने बहुत सारे दोस्तों ने रिक्वेस्ट की थी कि आप प्लीज़ एलोपैथी मेडिक के साथ हिकमत वाली मेडिसिन के मतलब भी आप किसी हकीम साहब को साथ शामिल कर लें चैनल में। तो मैंने एक हकीम साहब से, मेरे दोस्त हैं इकबाल साहब, उन्हें मैंने कहा था, तो उन्होंने कहा इंशाल्लाह मैं आपके चैनल पर ज़रूर आऊँगा और आपको जो आपके साथ आपके दोस्त हैं उनको बताऊँगा कि जो देसी अद्वियात उनके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं। तो इंशाल्लाह देसी अद्वियात जो होती हैं उनके फ़ायदे बहुत ज़्यादा होते हैं, नुकसान ना होने के बराबर होते हैं। तो इसलिए इंशाल्लाह अन करीब जो हमारी अगली वीडियो आएगी उसमें हकीम इकबाल साहब को भी शामिल करेंगे और हम एक लिस्ट बना देंगे कि ये एलोपैथी मेडिसिन है और ये साथ हिकमत वाली मेडिसिन है। वो आपको ज़्यादातर तिब्बे नबी से इलाज बताएंगे इंशाल्लाह बफजले खुदा। तिब्बे नबी में शफा ही शफा है।